किशनगंज थाना अंतर्गत नगीनाबाग इलाके में रविवार सुबह लगातार दूसरे दिन भी बाइक सवार चेन लुटेरों ने पुलिस को धत्ता बताते हुए एक बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े सोने की चेन लूट ली और पुलिस शहर में नाकाबंदी का ढिंढोरा पीटती रही। चेन स्नेचिंग की वारदात की शिकार महिला भैरुंदा के पास की रहने वाली शांति देवी ने बताया कि रविवार सुबह लाखन कोठड़ी स्थित जैन श्वेतांबर भवन में संदर्शन कर लौट रही थी। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की ओर से आए दो बाइक सवार युवकों ने गले पर झपट्टा मारकर दो तोले सोने की चेन तोड़ ली और मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरे हाथ पैर और सर में चोट लगी। लाटे पुलिस वाले बताड़ा आसमानी कपड़ा पहने उन्होंने जान कियो पुलिस वाले ने आदमी ने। कहाँ रहते हो आप? मैं रणसी गांव रहा हूँ सर, रणसी गांव बोरुंदा का रणसी गांव आई हूँ। वारदात की सूचना पर पहुंचे सिविल लाइन थाना प्रभारी हनुमंत सिंह भाटी ने पीड़ित महिला को अपने साथ लेकर चेन स्नेचरों की तलाश की, मगर वारदात किशनगंज थाना क्षेत्र के होने के कारण भाटी ने किशनगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर चेन स्नेचिंग की शिकार हुई महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।